दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। ट्विटर यानी एक्स पर शेयर किए गए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स किसी पेपर पर कुछ लिख रहा है। करीब 6 मिनट के इस वीडियो के जरिए केजरीवाल ने दावा किया है कि यह चुनाव में धांधली का प्रमाण है। भारत में चुनाव और बवाल का गहरा नाता है। चुनाव चाहे छोटा हो या बड़ा, कुछ न कुछ बवाल होना लाजमी है। ये वायरल वीडियो चंडीगढ़ मेयर चुनाव का बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने चुनाव में धांधली करके जीत हासिल की है। चलिए समझते हैं पूरे मामले को। दरअसल इंडिया ब्लॉक बनाम बीजेपी यानी चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी ने बाजी मार ली है। भाजपा उम्मीदवार मनोज सोनकर ने आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को हराकर चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर जीत हासिल की है। नतीजे का ऐलान होने के बाद आपके चंडीगढ़ मेयर उम्मीदवार कुलदीप कुमार रो पड़े। लेकिन इसी के साथ कल से ही एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स दिख रहा है जो किसी कागज पर कुछ लिखता हुआ नजर आ रहा है। ये क्या लिख रहा है नहीं पता, लेकिन इस वीडियो को शेयर करते हुए पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आरोप लगाया है कि यह लोकतंत्र की हत्या है। डेमोक्रेसी में एक काले दिन के तौर पे आज के दिन को लिखा जाएगा, याद किया जाएगा। और दुर्भाग्य से वही महीना है जिस महीने में हम रिपब्लिक डे मना के, अभी 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया गया और आज 30 जनवरी को उसी संविधान की धज्जियां उड़ी मीडिया के सामने, वीडियो कैमरों के सामने। किस तरीके से चंडीगढ़ के मेयर की जो इलेक्शन थी उसको लूटा गया बीजेपी द्वारा। पंजाब के सीएम ने कहा कि आज का दिन हमारे देश के लोकतंत्र में काले दिन के रूप में लिखा और याद किया जाएगा। दुर्भाग्य से यह वही महीना है जब हम गणतंत्र दिवस मना चुके हैं। आज संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को मीडिया के सामने, कैमरे के सामने भाजपा ने लूट लिया। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान ने यह भी कहा कि हम विपक्ष वाले 20 थे और वे 15। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा कैसे हो गया कि 20 वाले हार गए और 15 वाले जीत गए। उनका आरोप है कि चुनाव की मॉनिटरिंग करने वालों के मुताबिक हमारे 8 लोगों को वोट करना नहीं आता था, इसलिए उनका वोट अमान्य करार दे दिया गया, जबकि उनमें से कई पिछली बार भी वोट दे चुके हैं। वहीं इस पूरे मामले पर दिल्ली सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि आज लोकतंत्र के लिए काला दिन है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दिन दहाड़े बेईमानी करके भाजपा को जिता दिया गया। देश के लोकतंत्र के लिए ये गुंडागर्दी बेहद खतरनाक है। केजरीवाल ने ये तक कहा कि अगर इसी तरह रहा और 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की जीत होती है तो वे ट्रंप की तरह कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपको बता दें कि ये चुनाव 18 जनवरी को होना था, लेकिन पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह के बीमार होने की वजह से चुनाव टल गया था। इसके बाद हंगामा भी हुआ। इसके बाद 24 जनवरी को पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने 30 जनवरी को मेयर चुनाव कराने का आदेश जारी किया था। फिलहाल आम आदमी पार्टी ने फिर से हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। अब देखने वाली बात यह है कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट इस मामले पर क्या फैसला सुनाती है।